दोस्तों आप लोग ने थंबल पर देखकर समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। तो आज की वीडियो में स्टूडियो मास्टर वर्सेस औजा के यहाँ पे कंपेयर हम करने वाले हैं कि इस दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेटर रहेगा, जो कि ये दोनों एम्पलीफायर आप लोग को 4500 वाटेज का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस दोनों एम्पलीफायर के बारे में आप लोग को सारा स्पेसिफिकेशन एक एक करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा एम्पलीफायर किस मामले में ज्यादा निकल कर आ रहा है, यानी कौन सा एम्पलीफायर का कितना वाटेज देगा, यानी कितने ओम पर देगा, यानी कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेटर रहेगा, इस दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर को हम ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका हम प्राइस भी आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि इस दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना हो जाएगा, तो हमें प्राइस भी देखकर इस एम्पलीफायर को कंपेयर करके लेना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि किसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस औजा और यहाँ पर स्टूडियो मास्टर दोनों 4500 वाटेज का एम्पलीफायर है और इसका कंपेयर करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेटर रहेगा और कौन सा एम्पलीफायर हम ले। तो दोस्तों यहाँ पर दो एम्पलीफायर का कंपेयर करने वाला हूँ, जो कि औजा का एक एम्पलीफायर है और दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर है। ये दोनों सेम वाटेज का एम्पलीफायर है। दोस्तों यहाँ पर 4500 वाटेज का औजा का भी एम्पलीफायर है और दोस्तों 4500 वाटेज का यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का भी एम्पलीफायर है। दोस्तों इसके सारा स्पेसिफिकेशन के बारे में एक एक करके आप लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर कितने वाटेज कितने ओम पे ज़्यादा दे रहा है और कौन सा एम्पलीफायर कितने ओम पे कम दे रहा है, और दोस्तों कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए इसके बारे में आप लोग को लास्ट में आप लोग को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर हमको लेना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों इस दोनों एम्पलीफायर का पकड़ मार्केट में बिल्कुल ही अच्छा खासा है, औजा का भी अच्छा खासा मार्केट में पकड़ है और दोस्तों स्टूडियो मास्टर का भी अच्छा खासा मार्केट में पकड़ है। बट दोस्तों हम बात करेंगे कि ये कौन सा एम्पलीफायर हमको लेना चाहिए, ये कौन सा एम्पलीफायर कितना वाटेज दे रहा है, यानी कौन सा मामले में कौन सा आगे निकल रहा है। तो सिंपली गाइस इसका मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे, जो कि औजा का, तो इसका मॉडल नंबर आप लोग को LX4500 देखने को मिल जाएगा। यहीं पे स्टूडियो मास्टर के मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो स्टूडियो मास्टर का PA4.5 इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर के वाटेज के बारे में कि ये एम्पलीफायर स्टूडियो और मोनो पर कितना आउटपुट पावर निकाल कर देता है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे औजा का एम्पलीफायर है जो 8 ओम पे आप लोग को 1000 वाटेज पर चैनल निकाल कर देगा, वैसे ही आप लोग को यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का 8 ओम पे 950 वाटेज पर चैनल निकाल कर देगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि औजा का जो एम्पलीफायर है 50 वाटेज यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रहा है और दोस्तों स्टूडियो मास्टर यहाँ पर 50 वाटेज इससे पीछे जा रहा है, यानी औजा 8 ओम पर यहाँ पर आगे निकल गया और दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर 8 ओम पर पीछे 50 वाटेज यहाँ पर माइनस में चला गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर औजा का 4 ओम पे कितना वाटेज निकाल कर देता है। तो दोस्तों ये 4 ओम पर 1550 वाटेज पर चैनल निकाल कर देता है और दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर की बात करें 4 ओम पे, तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर 1600 वाटेज पर चैनल निकाल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कम बाइक हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो मास्टर यहाँ पर 1600 वाटेज दे रहा है 4 ओम पर और दोस्तों यहाँ पर औजा जो है 1550 वाटेज 4 ओम पर दे रहा है। तो दोस्तों औजा यहाँ पर 50 वाटेज माइनस चला गया और दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर 4 ओम पे 50 वाटेज आगे निकल कर आ गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 2 ओम के बारे में, तो 2 ओम पे औजा के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर 2 ओम पे आप लोग को 2250 वाटेज पर चैनल ये निकाल कर RMS देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो मास्टर के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों स्टूडियो मास्टर 2 ओम पे यहाँ पर 2250 वाटेज पर चैनल ये भी निकाल कर दे देता है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे लगभग दोनों का यहाँ पे वाटेज बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कुछ स्टूडियो मास्टर आगे निकला तो कुछ यहाँ पर औजा यहाँ पर आगे निकला, बट दोस्तों दोनों का यहाँ पर वाटेज हमें यहाँ पर बिल्कुल सेम लगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्रिज मोड में कौन सा एम्पलीफायर कितना वाटेज निकाल कर देता है और कौन सा एम्पलीफायर आगे हो जाता है। तो सिंपली गाइस औजा के बारे में बात करेंगे ब्रिज मोड के, जो कि 8 ओम पर आप लोग को 3100 वाटेज निकाल कर देगा। यहीं पे दोस्तों स्टूडियो मास्टर के बारे में बात करेंगे 8 ओम पर, तो दोस्तों ये स्टूडियो मास्टर 3200 वाटेज निकाल कर देगा RMS, जो कि आप लोग के यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है 100 वाटेज बिल्कुल औजा से आगे निकल कर आ गया स्टूडियो मास्टर, जो कि आप लोग को 100 वाटेज ये 8 ओम पर ब्रिज मोड में एक्स्ट्रा ये निकाल कर देगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके 4 ओम के बारे में कि औजा 4 ओम पे कितना देगा और यहाँ पर स्टूडियो मास्टर 4 ओम पे ब्रिज मोड में कितना देगा। तो दोस्तों यहाँ पर औजा 4 ओम पे आप लोग को 4500 वाटेज निकाल कर आउटपुट पावर दे देगा। यहीं पे दोस्तों हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर का, तो दोस्तों स्टूडियो मास्टर भी 4 ओम पे 4500 वाटेज निकाल कर बिल्कुल वाटेज दे देता है,
यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहाँ पर 100 वाटेज 8 ओम पर यहाँ पर स्टूडियो मास्टर आगे निकल गया जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर कौन सा माइटर पे आगे निकल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आहूजा का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 20 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 से 20,000 हर्ट्ज इसका भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल सेम है, यानी बिल्कुल ये सेम पे चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को आहूजा में आप लोग को एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लो पास फिल्टर देखने को मिल जाएगा 80 और यहाँ पर 120 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पर आप लोग का स्टूडियो मास्टर में बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहीं पर मेन फैक्ट होता है ये कि आप लोग को लो पास फिल्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों लो पास फिल्टर ये होता है कि अगर आप लोग जिस एम्पलीफायर पे बेस चलाना चाहते हैं, केवल उसमें बेस का साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो लो पास फिल्टर को ऑन कीजिएगा, यानी 80 और 120 पे कीजिएगा, तो बिल्कुल वहाँ पर आप लोग को बेस देखने को मिलेगा, उसमें कुछ भी मिड और ट्रेवल का वहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये फीचर आप लोग का स्टूडियो मास्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्टूडियो मास्टर बिल्कुल ही माइनस में लगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो मास्टर में केवल आप लोग टॉप चला सकते हैं, बेस भी चला सकते हैं, बट दोस्तों बेस में आप लोग को मिड भी सुनने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आहूजा में क्या हो रहा है कि आप लोग का लो पास का फिल्टर देखने को मिल रहा है, तो आहूजा में ये होगा कि आप लोग लो पास को फिल्टर को ऑन कर दीजिएगा तो केवल आप लोग बेस इस पे चला सकते हैं, यानी दोनों कॉम्प्रोमाइज करके चला सकते हैं। तो दोस्तों इस मामले में आहूजा हमें बिल्कुल आगे निकल कर आ गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस दोनों एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर के बारे में कि इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर कितना हो जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आहूजा का डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिल जाएगा, यहीं पर दोस्तों स्टूडियो मास्टर का भी डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डंपिंग फैक्टर पर दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल सेम है, आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि पावर कंज्यूमर कितना करेगा दोनों एम्पलीफायर, यानी कितने कम पावर पे दोनों एम्पलीफायर चल जाएगा और कितने कम पे ये उठा लेगा। तो सिंपली गाइस आहूजा का पावर कंज्यूमर आप लोग को 220 वोल्ट से 240 वोल्ट ये पावर कंज्यूम करेगा, यानी 220 वोल्ट पे रहेगा तो आप लोग का ये आउटपुट बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का निकाल कर देगा। यहीं पे दोस्तों स्टूडियो मास्टर का भी पावर कंज्यूमर आप लोग को 220 वोल्ट से 240 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों का यहाँ पर सेम पावर कंज्यूम है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नेट वेट के बारे में कि इस दोनों एम्पलीफायर का नेट वेट कितना हो जाएगा, यानी आहूजा का वजन ज़्यादा होगा कि स्टूडियो मास्टर का वजन ज़्यादा होगा। तो सिंपली गाइस आप लोग को आहूजा का आप लोग को नेट वेट देखने को मिल जाएगा 36.5 kg, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसका वजन बिल्कुल हेवी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर का नेट वेट कितना हो जाएगा, तो दोस्तों स्टूडियो मास्टर का नेट वेट आप लोग को केवल 33 kg देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वजन में भी आहूजा आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 3.5 kg आहूजा में कुछ ज़्यादा मटेरियल लगा होगा, तो यहाँ पर 3.5 kg इसमें आहूजा में ज़्यादा वजन हो गया। तो दोस्तों स्टूडियो मास्टर यहाँ पर भी कुछ पीछे आप लोग को डाउन माइनस पॉइंट में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, इस दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना हो जाएगा। दोस्तों प्राइस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है कि कौन सा एम्पलीफायर कितने प्राइस पे पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आहूजा का प्राइस आप लोग को अप्रोक्स प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो कि 51,350 रुपये में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इजिली इस प्राइस रेंज में, इससे कम भी प्राइस रेंज में आपके मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका प्राइस रेंज 51,350 रुपया देखने को मिल जाएगा, जो कि आहूजा का प्राइस रेंज है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टूडियो मास्टर का प्राइस रेंज के बारे में। तो दोस्तों स्टूडियो मास्टर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 49,256 रुपया देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टूडियो मास्टर का यही प्राइस रेंज है, जो कि 4500 वाटेज का दोनों एम्पलीफायर है। तो दोस्तों आप लोग को प्राइस रेंज में भी समझ में आ गया होगा कि प्राइस रेंज में भी यहाँ पर बहुत सारा का फ़र्क है, यानी 1500-2000 का यहाँ पर बिल्कुल फ़र्क आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस मेरे मामले से दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल बेस्ट है, दोनों कॉम्प्रोमाइज किए, यहाँ पर वाटेज में बिल्कुल सब कुछ सही है। तो दोस्तों यहाँ पर वाटेज में तो ज़्यादातर आगे निकल कर आ रहा है यहाँ पर स्टूडियो मास्टर, क्योंकि ब्रिज मोड में अगर आप लोग चलाते हैं तो ब्रिज मोड में स्टूडियो मास्टर ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों बेस और यहाँ पर टॉप दोनों को बारी बारी से यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए यहाँ पर आहूजा ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आहूजा में आप लोग को लो पास फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर स्टूडियो मास्टर ये फंक्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस दोनों एम्पलीफायर में से कौन से एम्पलीफायर को हमको लेना चाहिए। तो सिंपली गाइस मैं अपना यहाँ ओपिनियन बताएंगे कि आप लोग किस एम्पलीफायर को ले सकते हैं और कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए बेटर रहेगा।
तो दोस्तों अगर आप लोग टॉप चलाते हैं, टॉप के लिए केवल एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर टॉप के लिए आप लोग स्टूडियो मास्टर की तरफ जा सकते हैं, जो कि ये स्टूडियो पावर एम्पलीफायर है दोस्तों। स्टूडियो मास्टर पे यहाँ पर आप लोग को प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी, आप लोग क्लियरिटी सुनने को मिल जाएगा, जो कि टॉप के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर होता है। अब दोस्तों बेस और टॉप अगर आप लोग दोनों चलाना चाहते हैं तो आप लोग औजा की तरफ जा सकते हैं, जो कि आप लोग का औजा पर आप लोग को 2000 थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस लगाना पड़ जाएगा। तो सिंपली गाइस इसमें क्या है कि आप लोग बेस भी चला सकते हैं और टॉप भी चला सकते हैं, ऐसे दोनों एम्पलीफायर में बेस चलेगा। बट दोस्तों हम क्या बात बोल रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि औजा वाले में क्या है कि लो पास फिल्टर दिया है, तो आप लोग केवल बेस के यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, और दोस्तों स्टूडियो मास्टर में बेस भी चला सकते हैं, बट उसमें आप लोग को भी मिड भी सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें लो पास का फिल्टर यही थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट है और यही इसमें माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों ये दोनों मेरे नज़र से बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है। आपको जज करना है कि हमें कौन सा टाइप का एम्पलीफायर किस टाइप पे यूज करना है, तो उसी टाइप से आप लोग को उस एम्पलीफायर को लेना है। तो सिंपली गाइस ये दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल ज़बरदस्त है, दोनों एम्पलीफायर इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा पकड़ है। तो आप लोग टॉप के लिए स्टूडियो मास्टर ले सकते हैं, जो कि क्लियरिटी आवाज़ आप लोग को साउंड सुनने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर बेस और टॉप चलाने के लिए एक एक चैनल पर ले सकते हैं औजा का, जो कि इसमें आप लोग को लो पास फिल्टर यानी क्रोस ओवर का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस ये दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल ही बेस्ट है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।